मैं आपको बताऊंगा कि एक साइकियाट्रिस्ट के नाते मनोविकार तज्ञ जो है, तज्ञ जो मैं हूं उसके बारे में, वे हमको पेशेंट कैसे आते रहते हैं, किस तरह के पेशेंट आते रहते हैं। आज ही मेरे पास में एक पेशेंट आया, लेडी थी आई, तो उसको पूरे बदन में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही और वो ऐसा घूम रहे, झूल रही है आगे पीछे आगे पीछे, फिर कभी जमीन के ऊपर गिर के वो पूरा रोल हो रही, इधर से उधर उधर से उधर जा रही, और कोई देवी का नाम ले रही और बोल रही कि मेरे आंख में आ गया, मेरे आंख में देवी आ गई, और वो ऐसे अलग आवाज निकालती है और वो अलग आवाज में बात कर रही है और बोलती है ये बाहर का पुस्तकी है, बाहर का किया हुआ है, और देवी आंख में आ रही है, किसी ने भी लगा के दिया हुआ है। क्या रही ध्यान तुम्हें बहुत ही बड़ी मात्रा में यह अंधविश्वास चलते रहता है। एक तो लोगों को यह लगता है कि कोई गलत शक्ति मतलब भूत पलित आंख में घुसा हुआ है, या कुछ लोगों के आंख में ऐसे देवी देवता का वास होता जाता है, होता है आंख में आ जाते हैं, और आंख में आने के बाद में वो घूमना चालू कर देते हैं, वो बाल पूरे निकाल मतलब वो फ्री कर देंगी और पूरा घूमेंगी, बाल ऐसे घूम रहे इधर से उधर से, और वो ऐसा कभी कुछ डांस करेंगी कभी कुछ करेंगी, ऐसा मुझे अजीब सा हमको जब देखते तो लगता है। उसको हाथ लगाया तो जोर से चिल्लाएगी, मुझे हाथ कैसा लगा है, समझता नहीं कि आपको, तो घर के लोगों को भी हाथ लगाने देंगे। तभी इसको लोगों मतलब जो बाहर का ये निकालने वाले उनके पास में लेके गए कि जो बाहर का निकालते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इसमें गलत शक्ति घुस गई है, तो उन्होंने उसको चटके दिए, उसको मारा पीटा ताकि वो निकल जाएगा जो घुसा हुआ है अंदर, फिर आंखों में नींबू का जो जूस रखा है वो डाल दिया ताकि वो गलत शक्ति निकल जाएगी। जब कुछ हुआ नहीं तो पेशेंट को मेरे पास में लाया, जब लाया उसको तो उसको बुखार चढ़ा हुआ था क्योंकि उसका दो दिन से खाना नहीं पीना नहीं, मारपीट की हुई उसको पर बदन को लगा हुआ है। उसको लाया तो पहले हमको ये देखना पड़ता है कि भाई कोई भेजे में कोई अभी बुखार घुसा हुआ है, तो पूरा उसका देखने का टेस्ट करने के बाद में मालूम करने के बाद में उसको शांत किया, उसको सुलाया, उसको आईवी फ्लूइड्स मतलब नसों में फ्लूइड दिया, सलाइन की बॉटल ली, जब वो शांत हो गई उसके बाद में उससे बातचीत चालू की। जब बातचीत चालू किया उसके साथ में तो फिर वो पहले इसमें तो खुली नहीं, एक दो सीटिंग जब हम बैठे उसके साथ में तो एक दो सीटिंग में ये मालूम पड़ा कि उसको वो घर में अकेली लेडी है, एक साल पहले शादी हुई है, घर में कम से कम 18 लोगों की फैमिली है, छोटे बच्चे तो स्कूल में जाते रहते हैं और बड़े जो लोग हैं छे वो खेत में काम करने ले जाते हैं। इसकी जब से शादी हो गई तो एक साल से उसको घर में खाना पकाना और घर का सब देखना इसके आंख के ऊपर आ गए, अब वो उसमें दबोच गई, उसकी सांस जो है दब गई, उसको ऐसा लग रहा है कि हमको कभी बाहर रहने नहीं मिलता, कहीं घूमना नहीं फिरना नहीं, बस लोगों का खाना पीना करना और सो जाना, बस उसका उतना ही काम था, घर में कभी काम किया नहीं। तो अचानक फिर उसको ये बीमारी चालू हो गई, आंख में आना चालू हो गया, और उसको ये सेकेंडरी बेनिफिट हम मतलब जो उसको बोलते हैं सेकेंडरी बेनिफिट, कि उसको फायदा हो गया, इसका फायदा ऐसा हो गया कि जो लोग उसको काम करने के लिए बोल रहे थे अभी वही उसको उठा के लेके आए, उसका उसको भी काम करने दिया नहीं, उसको खाना पीना देख रहे, उसके आंख में घुस गया तो भी उसको उसकी पूरी ट्रीटमेंट करवा रहे, मतलब वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन गए। जब उससे आपने बातचीत किया और उसको बताया कि ये तरीका नहीं है, आपको जो भी तकलीफ हो रही है घर में तो आप आपके हस्बैंड के साथ में पति के साथ में बातचीत करो, सास के साथ में ससुर के साथ में बात करो, अभी उसकी इच्छा नहीं थी बात करने की, डर लग रहा था, उनको सबको साथ में बिठाया, सबको साथ में बिठा के उसको उनको समझाया इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो एकदम क्वाइट रिलैक्स हो गई। घर के लोगों को भी मालूम पड़ा कि हम बहुत ज्यादातर कर रहे हैं मतलब बहुत काम उसके ऊपर पड़ रहा है और उसकी वजह से ये दिमाग में उसको तकलीफ हो रही है और उसको ऐसी इस तरह की बीमारी उसके वजह से हुई। तो ये हिस्टेरिकल पोजेशन सिंड्रोम हम बोलते हैं कि आंख में आना, देवी देवताओं का संचार होना। और मैं हरदम बोलता हूं कि देवी देवता ही क्यों आते, महात्मा गांधी किसके आंख में नहीं आते, है ना, या कोई अमेरिका का अध्यक्ष या भारत देश के राष्ट्रपति, ऐसे कोई आंख में आएंगे नहीं, देवी देवता आएंगे या भूत पुलित आएंगे,
या कोई मरा हुआ आदमी आए तो लोगों की अंधश्रद्धा है, इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोगों को कहीं बाहर कोई दरगाह के ऊपर जा रहे हैं, कोई मंदिर में जा रहे हैं, वहां उसका इलाज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे, ये नहीं करना चाहिए। उसको एक्चुअली दिमाग में हो रहा क्या है, ये आंग में आना बोलो या झटके आना बोलो, झटके आते रहते हैं और उसमें बेहोश हो जाती है औरत। और ये ज्यादातर औरतों को ज्यादा हिस्टीरिया की बीमारी दिखती है, मतलब उसमें व्यस्त प्रमाण है आदमी और औरत में, औरतों को ज्यादा होती है। तो वो उनके सामने बातचीत करना, काउंसिलिंग करना और फिर दिमाग शांत करने की कुछ दवाइयां देना, प्रसव होने के बाद में मैं उनको सम्मोहन उपचार बताता हूँ, हिप्नोसिस बताता हूँ कि हिप्नोटाइज करके उनको सूचना है देना सबकॉन्शियस माइंड को, जिससे कि वो रिलैक्स हो जाए और एक अच्छा असाधारण जीवन वो जी सके। तो ये सब संभव है, उसके लिए जरूरत है सबका ओरिएंटेशन करने की, सबको एजुकेट करने की कि भाई ये जो है ये मानसिक बीमारियां हैं, दिमाग का असंतुलन होता है उसकी वजह से होता है और उसके कोई कारण है, यदि कारण जो है वो बाजू करते हैं तो व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। तो आप सबको जो ये वीडियो देख रहे हो सबको रिक्वेस्ट है मेरी कि ऐसे कुछ पेशेंट आपको मिलते हैं, देखते हैं आप, तो उसका मानसिक इलाज करवाएं और लोगों को एक अच्छा जीवन दे, मतलब जीवन जीने देने का मौका दे। सो थैंक यू वेरी मच, हमारा वेबसाइट है उसको आप विजिट करो। बाकी भी मेरी काफी सारी वीडियो जो है वो मानसिक बीमारियों के बारे में है, वो भी आप देख सकते हैं और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। यदि आप ये शेयर करते हैं लोगों को तो लोग एजुकेट हो जाएंगे, उनको शिक्षण मिलेगा, इसके बारे में शिक्षा मिलेगी और इस तरह का जो है ड्रामा पार्टी सब बंद हो जाएगी। ये सब बाहर के करने वाले जो लोग हैं उनकी दुकानें सब बंद हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग, थैंक यू। मेरा फेसबुक है उसको भी आप लाइक शेयर करो और ये जो वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।